हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सौरव। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप नोज किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और उसको रियलिस्टिक शेड कर सकते हैं। जिन भी बिगनर्स को नोज को ड्रॉ करने में फिर उसको रियलिस्टिक शेड करने में दिक्कत आती है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीन स्टेप दिखाऊंगा और काफ़ी सिंपल तरह से बताऊंगा, कोई भी रेफरेंस फोटोग्राफ से नहीं, सिंपल तरह से बताऊंगा जिस तरह से मैंने सीखा है, और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो अच्छे से ऑब्जर्व करना किस तरह से मैं शेप ड्रॉ करूंगा, किस तरह से मैं उसको शेड करूंगा, किस तरह से मैं रियलिस्टिक शेड करूंगा। तो लेट्स सी। सबसे पहले आपको शेप ध्यान रखनी है जो कि मैं अब ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप यही है, तो इस शेप को आपने ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक सी शेप है। वैसे आप किसी फोटोग्राफ में देखोगे तो आपको हर फोटोग्राफ में जो नोज़ है वो डिफरेंट दिखेगी, उसके एंगल के हिसाब से, किस तरह से वो फोटोग्राफ खींच रखी है उसके हिसाब से, या फिर नोज़ किस तरह की है उसके हिसाब से। बट मैं आपको सिंपल सी दिखा रहा हूँ, अगर आप बिगनर हैं तो काफ़ी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4-5 बार भी आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम से इसको बिना देखे ड्रॉ कर पाएंगे बिल्कुल रियलिस्टिक। सो ये सिंपल सी इस तरह की शेप बनानी है, बीच में यू टाइप का है और इस तरह से घुमाना है, और उसके यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है, और राइट साइड में भी इस तरह से, बस यही शेप है। मैं कोई आपको स्ट्रक्चर से बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सर्कल वगैरह से ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस सिंपल से दिखा रहा हूँ। बस इसको याद रखना जो बीच में यू सा है और इसको ऐसे घुमा रखा है मैंने, और यहाँ पे इस तरह से करना है बस। सो ये सिंपल सी शेप है, तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपने इतना ही करना है, इसको बस ध्यान रखना। सेकंड पार्ट में इसको शेडिंग करेंगे, और इसको मैं एक बार डार्क कर लेता हूँ थोड़ा मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके। दो लाइंस लगाई है मैंने ऐसी, वहाँ पे शेडिंग होगी। फर्स्ट पार्ट में तो बस इतना ही था, अब मैं सेम वही ड्रॉ करता हूँ, उसी शेप को ड्रॉ करता हूँ, और फिर उसके बाद इसमें शेडिंग करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी शेप है, देख लो आप, काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी लाइट पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैंने लाइंस लगाई हैं, जो भी ये लाइंस आउटलाइंस को ड्रॉ किया है मैंने, उनके चारों तरफ मैं लाइटली शेडिंग करूँगा। नोज़ के इस पार्ट में यहाँ पे डेप्थ होती है, तो यहाँ पे मैं शेडिंग करूँगा, और लेफ्ट साइड में भी सेम ऐसी शेडिंग करूँगा ऊपर तक पूरा। यहाँ से शेडिंग मैं ऊपर तक करूँगा जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, और इसी तरह से मैं राइट साइड में भी करूँगा ऊपर तक। बीच में मैं हल्की हल्की कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइटली कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट होते हैं, वाइट वाइट एरिया होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चमकती है हमारी नोज़, तो उसके लिए, और जो बीच में मैंने छोड़ा है वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी हाईलाइट होता है। सो अब इसको लाइटली ब्लेंड कर देते हैं, अगर आपको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना है तो, अदरवाइज़ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, इसके ऊपर से और शेडिंग कर सकते हैं अगर आपको ब्लेंड नहीं करना है तो। मैं आपको रियलिस्टिक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पेपर स्टम्प या फिर ब्रश का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, जो भी एरियाज़ हमने डार्क किए थे जहाँ पे शेडिंग की थी वहाँ पे काफ़ी लाइटली मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। सो गाइस, यही था सेकंड स्टेप, जिसमें मैंने जो भी लाइन्स ड्रॉ की थी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में दिखाया, उसमें मैंने शेडिंग किया, जो कि मैंने आपको दिखाया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जहाँ पे डेप्थ एरिया है वहाँ पे मैंने शेडिंग किया, और उसको ऊपर तक ले गया मैंने जो लाइन लगाई है, तो इसका आपने ध्यान रखना है बस। और लाइटली शेड करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। सो अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो सेम वैसे ही मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ उसको, पहले आउटलाइन ड्रॉ करके उसके चारों तरफ शेडिंग करके फिर इसको मैं लाइटली ब्लेंड कर लेता हूँ। अब की बार मैं ओनली मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके ही शेडिंग करूँगा लाइन के चारों तरफ,
क्योंकि इसमें आपकी पेंसिल मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करते हैं कि आपको शेडिंग करना आना चाहिए। किसी भी पेंसिल का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे से शेडिंग कर पाएंगे। तो मैं उसी मेथड का यूज़ करूँ जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जहाँ पे मैंने डार्क एरियाज किए थे वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ। तो अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको बस शेडिंग दोबारा से करनी है। जो भी आपने आउटलाइंस को ड्रॉ की थी उसको थोड़ा डार्क कर लो, और जो मैंने शेडिंग सेकंड टाइम में की थी उसके ऊपर से अगर आपको और डार्क करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाइट लग रहा है। थर्ड स्टेप में बस आपको यही करना है, डिटेलिंग करनी है अपनी फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करके, या फिर इसमें आपको और अगर शेडिंग करनी है तो आपको और डार्क करना है तो आप इसको कर सकते हैं। और डार्क बनाने के लिए टेक्सचर को आप इसके ऊपर कितनी भी लेयर चढ़ा सकते हो शेडिंग की, जितनी ज़्यादा लेयर चढ़ाओगे उतना डार्क होगा और उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, उतनी ज़्यादा डेप्थ आएगी इसमें। सो ये स्किन पे भी डिपेंड करता है, अगर आपकी स्किन बिल्कुल लाइट है, आपकी फोटोग्राफ जो आप ड्रॉ कर रहे हो उस वो लाइट है तो आप इतना ही डार्क करो, अदरवाइज अगर डार्क है तो आप ऑब्जर्व करके, थर्ड स्टेप यही है इसीलिए है कि ऑब्जर्व करके जितना डार्क है उतना कर दो। सो अब मैं इसको और डार्क कर रहा हूँ, जो भी मैंने सेकेंड स्टेप में दिखाया आपको लाइटली शेड करके, उसके ऊपर से मैं दोबारा वैसे ही शेडिंग कर रहा हूँ। डार्क शेडिंग हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर ब्लेंड कर देता हूँ। तो अब की बार मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अब और डार्क कर लेते हैं, जो भी डेप्थ वाले एरियाज हमको और डार्क करने हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डार्क करना है, और जितना आप डेप्थ दिखाओगे अपनी ड्राइंग्स में, जितना आप शेडिंग करोगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस टू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।